और सबसे पहले झारपीर बाबा की जय। आज झारपीर बाबा जो प्लेस है और गूगल मैप पे भी आता है, जब शाहपुर जी सुखराई की लोकेशन आप देखेंगे उस पर झारपीर बाबा का प्लेस है और वहाँ एक सरकारी नल है, तो वो भी सरकारी नल दिखाएंगे आपको। और झारपीर बाबा का प्लेस है कहाँ पे है क्या है, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। झारपीर बाबा का आपका पूरा लोकेशन दिखाएंगे कि कहाँ है, हमारे ही गाँव में है। तो ये झारपीर बाबा का जो स्थान है वो है, और यहाँ छोटी छोटी झंडियाँ और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ एक मेला के रूप में, मतलब थोड़ा सा उत्सव के रूप में, या ये सब कह सकते हैं कि जिन लोगों का यहाँ से कुछ बना है, जैसे कोई विश होती है वो पूरी हुई है, तो वो रामनवमी के दिन यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं। और जैसे कि हमारे शाहपुर जी सुखराय में किसी का कुछ बना है तो वो क्या बोलते हैं रामायण पाठ कराता है, तो यहाँ पे उपस्थित होके अपना जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न कराते हैं। तो यही झारपीर बाबा की लोकेशन है, इसके ही बहुत सारे फ़ोटोज़ पड़े होंगे, तो मैं आपको झारपीर बाबा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यही वो लोकेशन है, स्थान है, यहीं से बहुत सारे लोगों की विशेष पूरी होती हैं और बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। ये रोड कनेक्ट कहाँ से क्या करता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से रोड कनेक्टेड है ये, और ये नवाबगंज से आएंगे जब आप और कल्याणपुर की साइड जाएंगे तो ये रोड हमारे शाहपुर जी सुखराय का फर्स्ट रोड यही है, यहाँ से कनेक्टेड है, और यहीं पे आके लोग जो है बैठते हैं, और धूप ज़्यादा लगती है तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं और इन्हीं की वजह से। और ये एक सरकारी नल है, और यहाँ भाई रुक के जो है अपनी प्यास जो है पूरी कर सकते हैं। ये देखिए सरकारी नल है, बहुत सारे लोग यहाँ का पानी पीते हैं। और अब जो बस इतनी ही बात मैं बताऊंगा आज, और कैसी लगी आपको झारपीर बाबा की लोकेशन। ये हमारे गांव का स्थान है, पवित्र स्थान है, आप जहां कहीं गांव के रहने वाले होंगे तो ऐसे स्थान आपके ही गांव में होंगे। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोट करी है, हमारे जो भी यहां से भाई या बहन जो भी कह सकते हैं आप, बहुत सारे लोग निकल के जाते हैं तो ये सामने से सर झुकाते हैं, तो ये मोमेंट जो है हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं या हमसे छोटे होते हैं तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होती है कि हम ऐसे स्थानों को माने, क्योंकि मान्यता होती है। भगवान ना तो मैंने देखा है ना ही आपने शायद देखा हो, कोई नहीं फिलहाल जो भी हो, लेकिन एक मानते हैं ना भगवान की आस्था को, तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्थान पवित्र स्थान होते हैं, तो साफ़ सफाई का जो है बनाए रखें थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्थानों पे आके, मन की शुद्धिकरण होती है, पवित्र स्थान है, मन को प्रसन्न तरीके से पूर्ण रूप से यहाँ आएँ और जो भी अपनी विश है यहाँ पे अपना पूरा जो है कार्यक्रम संपन्न कराएं। बाकी जय हिंद, जय भारत, झारपीर बाबा की जय।